हेलो फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 22nd of September 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष गुरु। लास्ट वीक दैट मींस 16th ऑफ सितंबर से 20th ऑफ सितंबर तक क्या क्या मेजर इवेंट्स हुआ, जहां पे हमारा मेन इंपॉर्टेंट इवेंट था FOMC रेट डिसीशंस, जहां पे हम सभी को पता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ है। एंड उस रेट कट के बाद प्राइस कैसे दिख रहा है बाय द एंड ऑफ द वीक। बाय द एंड ऑफ द वीक द वीकली कैंडल इज लाइक ए स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मींस प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द साइड्स, एट हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड एट ए स्पेसिफिक सपोर्ट एरिया। दैट मींस यहाँ पे प्राइस अभी पॉज कर रहे हैं। सो वट नेक्स्ट, वट नेक्स्ट के लिए हमें ये देखना है कि अगले एक दो हफ्ते में प्राइस कैसे बिहेव करता है। एंड वट इज अवर मेन पर्पस, मेन पर्पस इज ये जो सपोर्ट जोन है, क्या प्राइस वीकली बेसिस पे इस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज देते हैं या नहीं। अगर क्लोज करते हैं नीचे के तरफ एंड फॉलो आप मिलते हैं इन सच ए केस फर्दर डाउन मूव टूवर्ड्स 92-93 वी कैन एक्सपेक्ट। ये हो गया फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि वीकली प्राइस क्लोजेस बिलो द सपोर्ट जोन एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम, वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑन द डाउनवर्ड साइड। सो टिल दैट टाइम प्राइस कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। जीबीपी डॉलर पे जो ये रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर जाके एज वेल एज जो 26 अगस्त के हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है, यानी जीबीपी डॉलर का जो प्राइस है वो आपका इमीडिएट जो हर्डल था, रेजिस्टेंस था, कौन सा था 1.32 के ऊपर। ऑल्सो ये जो आपका 26 अगस्त का हाई था दैट मींस 1.3267 इसके ऊपर भी जाके क्लोज दिया हुआ। अभी बाय डिप्स के बारे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर एन नेक्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 1.3650। ये एनालिसिस हमने पिछले वीकली करेंसी एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट हर्डल हैज टू क्लियर दैट इज द 26 अगस्त का हाई के ऊपर। ये हो चुका है एंड व्हाट नेक्स्ट में अभी means buy dips may be considered with strict stop losses for a target towards 1.3650 in coming weeks. GBP INR में जो हमारा analysis था उसमें भी almost same, लेकिन देखने वाला बात यही है कि ये जो 26 अगस्त का high है 111.33 इसके ऊपर just ऊपर जाके close दिया हुआ है। तो अभी हमें इसके ऊपर कंटिन्यूएशन चाहिए, किसके ऊपर, यानी लास्ट वीक का जो प्राइस एक्शन है इसके बेसिस पे हमें कंटिन्यू करना है, प्राइस ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू करना है। इन सच ए केस जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म बोले तो मे बी 6 to 9 months में ऐसा हो सकता है कि GBP INR में मूव टूवर्ड्स 131 और 132, ये एक एक्सपेक्टेशन हमारा हो सकता है विच इज मंथली पर्सपेक्टिव, अभी के लिए नहीं है। सो अभी हमें प्राइस कंटिन्यूएशंस देखना है, प्राइस एक्शंस को देखना है एंड देयर शुड नॉट बी एनी मेजर डैमेज इन प्राइस एक्शंस। अगर डैमेज होता है तो वी नीड टू रिकैलकुलेट द मूव। नेक्स्ट इज यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि 26 अगस्त के हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए, यानी 1.1206 उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। दैट मींस यहाँ पे अभी भी प्राइस को इस 26 अगस्त के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 1.1650 की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे देखने वाला बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जो RSI वीकली RSI टेकिंग सपोर्ट एट 60 एंड मूविंग हायर, दैट मींस यहाँ पे काफी मोमेंटम होने का प्रोबेबिलिटीज है। नेक्स्ट इज यूरो INR। यहाँ पर भी हमारा जो कैलकुलेशन था
ये 26 अगस्त के हाई के ऊपर अगर जाके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड बायस। मंथली परस्पेक्टिव में जो टारगेट है वो है आपका 106 107 की तरफ, लेकिन उसके लिए हमें प्राइस एक्शन को देखना है, कंटिन्यूअस हायर है हायर लो देखना है। लेकिन 26 अगस्त के हाई के ऊपर क्या क्लोज दिया है? लो, इट हैज फेल्ड टू क्लोज अबोव 26 अगस्त। दैट मींस यहां पे प्राइस एक्शन ये एक आपका 19th अगस्त का मदर कैंडल के अंदर में कंटिन्यूअसली 6 हफ्ते उसी के अंदर में बैठा हुआ है। ये जो 26 अगस्त उसके हाई के ऊपर क्लोज देना है तब जाके हमें कुछ एक बढ़िया सा अपवर्ड बायस देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉलर येन। डॉलर येन में क्या देखने वाला चीज था? ये जो 5th अगस्त का लो इट वाज अ टेंपरेरी बॉटम, जो प्रीवियस वीक में दैट मींस 9 सितंबर वाला जो वीक है वहां पे क्लोज डाउन किया है, स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, लेकिन फॉलो थ्रो नहीं मिला, रेदर ये बाउंस बैक करके ऊपर आ चुका है एंड क्लोज एट 143.85। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में RSI देखने का चीज ये है, RSI इज बिलो 40 एट 13.70। देन बीइंग द केस क्या यहां पे हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, मे बी ऑन डेली चार्ट, मे बी ऑन 4 आवरली चार्ट, ये हमें देखना होगा। येन आईएनआर, येन आईएनआर में एक मेजर करेक्शन आया हुआ है फ्रॉम दिस टिपिकल रेजिस्टेंस लेवल, यानी इस रेजिस्टेंस लेवल को जो 9 सितंबर वाला वीक है वो तो क्लोज दिया था लेकिन फॉलो थ्रो मिल नहीं पाया एंड इट फेल्ड टू ब्रेक अबव द मेजर रेजिस्टेंस। दैट मीन द केस येन आईएनआर पे हमें यहां पे सेल ऑप्टिक्स के लिए ढूंढना चाहिए जब तक इस एरिया को यानी अपना 16 सितंबर लास्ट वीक का जो हाई है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है ऑन लोअर टाइम फ्रेम। आते हैं कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर में यहाँ पे ये प्रीवियस जो एनालिसिस था वहाँ पे हमें ये देखना था जो 1.36 इस लेवल पे क्या रेस्पेक्ट करके नीचे आता है, ये अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा है लेकिन करेक्शन नीचे की तरफ फॉल स्ट्रॉन्ग फॉल नहीं देख रहे हैं, हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली ये जो आपका 26 अगस्त का लो इसके लो के नीचे क्लोज देना है। इन सच केस डॉलर कैंडल में एक बढ़िया सा डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हमें इंतजार रहेगा प्राइस एक्शन फर्दर कंफर्मेशंस का। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में यहाँ पे RSI पर्सपेक्टिव में क्या देखोगे? वीकली RSI एट 58.57, दैट मींस टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। अब देखोगे कंटिन्यूअसली कितने बार यहाँ पे जून 2023 एंड आपका अब यहाँ पे December 2023, then आपका July 2024, then your August 19th August 2024 and current ये level पे बार बार ये RSI 60 fail to break above, यानी वहाँ पे resistance लेके दोबारा जा रहा है। तो अभी जब तक ये RSI weekly 60 के ऊपर strong close नहीं देते तब तक हमें एक upward bias के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर RSI ऊपर क्लोज दे भी देता है प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे 0.6870 से 0.6900 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी टैकल करना पड़ेगा अगर इसको हायर टेरिटरी में हायर ऑर्बिट पे जाना है तो। नेक्स्ट इज CNH। CNH में यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल इसको ब्रेक डाउन किया था उसके बाद हमें ये देखना था कि इस रेजिस्टेंस को इस जोन को रेजिस्टेंस लेके क्या नीचे की तरफ आते हैं या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर में जाके फिर डब्ल्यू पैटर्न करके ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न हुआ नहीं, ऊपर में ब्रेक भी नहीं किया, रेदर नीचे की तरफ फॉलो थ्रू किया। दैट मींस यहां पे CNH में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है अगेंस्ट डॉलर, सो हमें यहां पे कंटिन्यू डाउनवर्ड देख सकते हैं एंड दिस इज अ गुड साइन फॉर रूपी एप्रिसिएशन ऑल्सो। नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड क्वेश्चन। ब्रेंट क्रूड यहाँ पे देखोगे पहले तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया 70.00, वहां पे 9th सितंबर वाला जो वीक था वहां पे एक हैमर कैंडल डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल बना एंड यहाँ पे करंट वीक में दैट मींस जो गया है 16 सितंबर वाला उसमें एक स्ट्रॉन्ग
ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो आप बताओ यहाँ पे क्या प्राइस एक्शंस बना रहे हैं? That means, यहाँ पे हमें एक buying opportunity ढूंढना है for an expected resistance towards this trend line. ये जो पहले support level था, इसके आसपास एक resistance मिल सकता है. इस resistance को respect करेगा या breakout करेगा वो बात का बात है. यहाँ पे अभी lower time frame पे buying opportunities हम crude में देख सकते हैं. अभी आते हैं US 10-year treasury, US 10-year treasury. After the FOMC rate decisions, ABC से थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज दिया है 73.74. What next? में आप देखोगे एक पहले का सपोर्ट था उसको लेके उसको स्ट्रॉन्गली नीचे के तरफ क्लोज दिया हुआ है. अभी दिस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन. कौन सा? 3.78 से आपका 3.86. ये रेजिस्टेंस जोन को कैसे ट्रेड करते हैं यूएस टेन-ईयर ट्रेजरी, ये हमें देखना है. क्या ये इस लेवल में रेस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आता है? दैट इज यहाँ अगर ऐसा होता है तो ये बढ़िया सिचुएशन हो सकता है. अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा. यूएस टू-ईयर ट्रेजरी, यूएस टू-ईयर ट्रेजरी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है और टेन-ईयर ट्रेजरी आप देखो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है. दैट मीन्स टू-ईयर ट्रेजरी में अच्छा खासा डाउनवर्ड प्रेशर जारी है. यहाँ पे सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं. ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन यूएस टेन-ईयर ट्रेजरी एंड टू-ईयर ट्रेजरी अभी नॉर्मलाइज हो चुका है ऑलरेडी एंड द डिफरेंस इज अबाउट 15 बेसिस पॉइंट्स पॉजिटिव निकल रहा है. दैट मीन्स टू-ईयर ट्रेजरी इज 15 बेसिस पॉइंट्स लोअर देन द टेन-ईयर ट्रेजरी. सो यहाँ पे एज पर द ट्रेंडेड लाइन्स ये आपका मीन्स ट्रेंड प्रॉपर हो रहा है एज फार एज द यूएस इंटरेस्ट रेट्स आर कंसर्न्ड. अभी हमें क्या देखना है? अभी देखो कि रेट कट हुआ है. मेजॉरिटी वाज एक्सपेक्टिंग क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स एंड सम सेक्शन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर एक्सपेक्टिंग 50 बेसिस पॉइंट्स. सरप्राइजिंगली 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है. ये जो स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ रेट कट एफओएमसी हैज गिवन, इसके बाद हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है. क्या अलर्ट रहना है? हमें अभी रेगुलरली यूएस डेटा को एनालाइज करना है. क्या क्या डेटा? सीपीआई हो, आपका एम्प्लॉयमेंट डेटा हो या जीडीपी डेटा, कुछ भी, रिटेल सेल्स हो, आईआईपी हो, कुछ भी हो. क्या यूएस मार्केट इज एंटरिंग इनटू रिसेशन? सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा कि वी मे एक्सपेक्ट यूएस में एंटर इनटू रिसेशन, लेकिन क्या डेटा सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए हमें अलर्ट रहना होगा. ऑल दिस डेटास इकोनॉमिक डेटा वी नीड टू केयरफुली एनालाइज, केयरफुली मॉनिटर जस्ट टू सी वेदर यूएस इकोनॉमी इज एंटरिंग इनटू रिसेशन और नॉट. अभी आते हैं फाइनली डॉलर रुपी. डॉलर रुपी में लास्ट वीक में एक बढ़िया सा एप्रिसिएशन देखा and closed at 83.47, जो ये 83.70 से 84 के बीच में जा रहा था, and rate cut के बाद एक ही झटके में रुपी strong हो चुका है by 30-40. पैसा अभी what next? What next में वही है, दोबारा वही same approach. What the invisible hands intention? वो लोग रुपी को कैसे level पे रखना चाहते हैं. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करते हैं प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक अहेड. बाय बाय.